दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। राजनीति के अंदर नित नए रंग होते हैं। राजनीति कब कौन सा रंग ले और किसको अपने रंग में सरोवार कर ले, इसको कहना भी बड़ा मुश्किल होता है। सोचना और समझना तो आप बाद में देखिए। राजनीति के अंदर आज आप कौन सा कदम उठा रहे हैं और उसके पीछे राजनेताओं की सोच क्या हो सकती है, कई बार ये बात आम जनमानस की समझ से भी परे होती है। कुछ ऐसे ही मसले पर आपसे चर्चा करने चला हूं कि हरियाणा की राजनीति में क्या भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी, जिनके गठबंधन की सरकार चल रही है हरियाणा में लगभग 4.25 साल से, क्या हरियाणा में कोई एक और नया प्रयोग कर सकते हैं? क्या हरियाणा के अंदर जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन कायम रहे, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से कोई नया इनिशिएटिव ले सकती है? क्या जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी लोकसभा और उसके बाद विधानसभा चुनाव में सूबे की जनता को साथ मिलकर चलते नजर आए, क्या इसके लिए कोई नया पैंतरा हो सकता है? आपसे जिक्र इसलिए कि हरियाणा की एक राज्यसभा की सीट खाली होने जा रही है। उस राज्यसभा की खाली होने वाली सीट के लिए चुनाव होना है। चुनाव की घोषणा हो चुकी है, चुनाव कार्यक्रम जारी किया जा चुका है। फरवरी के अंदर वो चुनाव होना है और उस चुनाव के लिए जो सीट खाली होनी है, हरियाणा के राज्यसभा सदस्य हैं डीपी वत्स, सेना के पूर्व अधिकारी हैं, खाप और पंचायत में अपनी पहचान रखते हैं और डीपी वत्स सेवानिवृत्त हो रहे हैं अप्रैल 2024 में। वो सीट खाली होनी है और इस सीट पर चुनाव होना है। डीपी वत्स भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में और राज्यसभा सदस्य के रूप में भाजपा के मंझे हुए सुलझे हुए कार्यकर्ता हैं। अब उनका कार्यकाल जब पूरा हो रहा है तो उनके कार्यकाल पूरा होने के बाद इस सीट पर कौन प्रत्याशी हो या कौन चेहरा भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी करे, इस पर मंथन और चिंतन का दौर चल चुका है। लेकिन इस मंथन और चिंतन के दौर में भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय इकाई और प्रदेश इकाई मिलकर के कुछ ऐसा भी खाका तैयार कर रही हैं जिससे कि जननायक जनता पार्टी के साथ उनका गठबंधन लंबा चल सके। राजनीतिक सूत्र बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा की खाली हो रही इस सीट को जननायक जनता पार्टी को दे सकती है बतौर तोहफा, बतौर गिफ्ट। और वो तोहफा देने के पीछे जो मकसद है वो ये है कि जो अगले 1.5 महीने में देश के लिए लोकसभा का चुनाव का ऐलान होना है, उस चुनाव के लिए हरियाणा की सभी 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लड़े, यानी कि कमल के फूल के निशान पर लड़ा जाए और जननायक जनता पार्टी उनका 10 की 10 सीटों पर समर्थन करे, कुछ ऐसा खाका बुना जा रहा है। और जब राज्यसभा की एक सांसदी गिफ्ट के तौर पर मिल जाएगी तो संभवतः जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी इस बात को मान लेंगे कि वो भाजपा के नेताओं और भाजपा के प्रत्याशियों का समर्थन कर दें। इस बात का जिक्र आपसे आज इसलिए कि क्योंकि एनडीए को बड़ा करने की तैयारी जिस प्रकार से एनडीए के नेता, यानी कि खासकर प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह सरीखे लोग जो कर रहे हैं, भाजपा आलाकमान कर रहा है, जिस प्रकार से नीतीश बाबू को लाया गया एनडीए के अंदर, जिस प्रकार आगे भी तैयारी चल रही है, संभवतः ऐसा भी लग रहा है कि अकाली दल बादल के साथ भी कोई समझौता हो जाए। ऐसे में एनडीए के लिए जरूरी है, या बीजेपी आला कमान समझता है कि अपने सहयोगी दलों को किसी प्रकार से भी साध के रखा जाए, ताकि देश की जनता के अंदर और आम आवाम के अंदर एक संदेश दिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी जिसके साथ होती है वो साथ दूर तक निभाती है। और अगर बात जननायक जनता पार्टी की करें तो जब उनको राज्यसभा की अगर एक सदस्य मिल जाएगा तो मान लीजिए कि दुष्यंत चौटाला, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला परिवार का एक सदस्य जरूर एडजस्ट हो जाएगा राज्यसभा के अंदर और पहुंच जाएगा देश की राजनीति में, क्योंकि आने वाले समय में जो विधानसभा का चुनाव होना है और उससे पहले जो लोकसभा का चुनाव होना है, लोकसभा चुनाव लड़ने पर कोई गारंटी नहीं कि जनता चुनकर ही भेज देगी। विधानसभा चुनाव में जननायक जनता पार्टी अपना पुराना प्रदर्शन दोहराएगी और या फिर कुछ उससे ज्यादा होगा, अभी कुछ भी कहना वो दूर की बातें हैं। सूबे के अंदर क्या एक बार फिर बीजेपी जेजेपी अगर गठबंधन में रह जाते हैं, क्या सरकार बन ही जाएगी, ये सब कुछ भी बातें दूर की हैं। ऐसे में अगर जननायक जनता पार्टी को राज्यसभा के सदस्य की एक सीट मिल जाएगी तो मान लीजिए कि जननायक जनता पार्टी का जो नेतृत्व है,
यानी कि एक ही परिवार है जिसके अंदर दुष्यंत चौटाला, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, दिग्विजय चौटाला और नैना चौटाला जो फैसला कर लेंगे फिर वो फाइनल होगा। और मान लीजिए कि उस परिवार को रजामंद रखने के लिए ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी देवीलाल की जो धरोहर और विरासत जो है उसको अपने साथ जोड़े रखने के लिए क्या भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसा कर सकती है? भाजपा के आंतरिक सूत्रों की माने तो जो भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व है वो प्रदेश इकाई को इस बात का संदेश दे रहा है कि कुछ ऐसा कर लिया जाए तो कैसा रहे। आपको बताएं कि हरियाणा के अंदर 90 विधायक हैं, 90 विधायक में 41 भारतीय जनता पार्टी के हैं, 10 जननायक जनता पार्टी के हैं, 1 हलोपा का है और 7 निर्दलीय हैं, बाकी कांग्रेस के विधायक हैं 30। अकेले कांग्रेस को अपने दम पर राज्यसभा सदस्य बनाना नामुमकिन है। ऐसे में मान लिया जाए कि जिस प्रत्याशी के पास भारतीय जनता पार्टी का टिकट होगा या जो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा होगा उसका जीतना लाजिम है, वो राज्यसभा के अंदर अपनी दावेदारी उसकी लाजिम हो जाएगी और तय हो जाएगा कि जो प्रत्याशी भाजपा जजपा गठबंधन से आएगा वो प्रत्याशी चुनाव जीत जाएगा। हरियाणा के अंदर मान लीजिए कि कार्तिकेय शर्मा एक ऐसे प्रत्याशी रहे जो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े थे, जननायक जनता पार्टी का उनको सहयोग था, लेकिन संसद के अंदर आवाज तो वो भारतीय जनता पार्टी की उठाते हैं। भले ही वो निर्दलीय सांसद हैं, निर्दलीय राज्यसभा सदस्य चुने गए, भले ही उनके पास किसी पार्टी का सिंबल के तौर पर उनको नहीं उतारा गया था, लेकिन निर्दलीय होते हुए वो जननायक जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशी थे जिसको भाजपा ने वोट किया था। और इस सबके साथ में कार्तिकेय शर्मा बन गए थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा। और जब डीपी वत्स वाली सीट जो खाली होनी है उस सीट को भारतीय जनता पार्टी सीधे अगर जेजेपी को दे दे, यानी कि जेजेपी से दुष्यंत चौटाला के पिताजी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला या दुष्यंत चौटाला के छोटे भाई दिग्विजय चौटाला अगर राज्यसभा में पहुंचा दिए जाएं तो फिर उस परिवार को आगे अपने साथ रखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके साथ साथ जहां हरियाणा के अंदर एनडीए गठबंधन जिसके अंदर की भाजपा के साथ जेजेपी सहयोगी पार्टी के रूप में चली आ रही है, जहां जननायक जनता पार्टी को भी खुश कर लिया जाएगा, वहीं एक डील भी हो जाएगी कि लोकसभा की सभी 10 की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का समर्थन करे जननायक जनता पार्टी। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या इस प्रकार की हरियाणा के अंदर कोई डील हो सकती है? अगर कुछ ऐसा होता है तो फिर क्या जननायक जनता पार्टी लोकसभा की किसी सीट पर दावा नहीं करेगी जब उसे राज्यसभा की सीट मिल जाएगी? और क्या एनडीए को मजबूत रखने के लिए केंद्रीय नेतृत्व हरियाणा प्रदेश इकाई को कुछ ऐसा संदेश भेज सकता है? कमेंट्स बॉक्स में आके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोज और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। देखते रहें देश रोजाना।